आज हम लोग एक्सरसाइज 18.1 का सवाल पढ़ेंगे। 18.1 में पांच तक सवाल लगवा दिए गए थे, इसमें छठवां सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट है, ये कह रहा है कि वैल्यू निकालनी है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर 30। तो हमको मालूम है क्या चीज कि कॉस स्क्वायर 30 का मान क्या होगा। कॉस 30 का मान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब हमको ये मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब आगे हम चलते हैं इसके, तो ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा। क्यों होगा? क्योंकि साइन बटा में कॉस होता है टेन, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। और टेन थीटा का मान क्या होगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 होगा थीटा का मान, और ये 30 दिया था थीटा का मान 30 होगा, यहाँ पे टेन 30 का मान। टेन 30 का मान क्या है, टेन 30 पे अगर हम जाते हैं तो मान है 1/√3। ये हो जाएगा इक्वल टू √1/√3 का होल स्क्वायर √1/3। दिस इक्वल टू हो जाएगा 1/√3। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद इसमें एक पार्ट और है, ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट कह रहा है, इसका दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट, छठवें का दूसरा पार्ट देखिए। पहले मिलता है कि आप सारणी को जरूर बना लीजिएगा, साइन 45 अंश, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45, कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री अपान साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री इंटू टेन 45 डिग्री। टेन 45 डिग्री हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यू रखना चालू करेंगे। साइन 45 का मान होता है 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 45 का भी मान होगा 1/√2 और कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2। कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। साइन 60, साइन 60 का मान √3/2 और कॉस 30, कॉस 30 का मान √3/2 और उसके बाद टेन 45 का मान 1। इसको गुणा करेंगे ऊपर, ये हो जाएगा 1/5। ये अंडर रूट दो में अंडर रूट दो का गुणा करेंगे तो 2 होगा, फिर 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, बटा में अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में गुणा करेंगे तो 3 होगा, बटा में 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, 4 कटेगा और ये हो जाएगा 1/3। इसका आंसर आ जाएगा 1/3। इस तरह से क्या करेंगे, इसको लगा लेंगे। दूसरे के बाद सतवा है, सतवा में दे रखा है कि थीटा बराबर 30 डिग्री। सातवें क्वेश्चन में दे रखा है, सेवेंथ में, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब थीटा 30 डिग्री है मतलब कि किस तरह से त्रिभुज रहा होगा, अब उसमें कोण थीटा अगर ये एबीसी है तो यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, ये कोण थीटा है और इसकी वैल्यू क्या है, 30 डिग्री है, ठीक है। और इसको LHS को RHS के बराबर सिद्ध करना है, आपको LHS और RHS सिद्ध करना है। प्रूफ क्या करना है, हम आपको बता दें, प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है साइन 2 थीटा,
साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम LHS लेके चलते हैं, बाय LHS लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम लेके चलेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, ये हो जाएगा साइन टू थीटा इक्वल टू साइन दो गुणे तीस इक्वल टू साइन सिक्सटी, और साइन सिक्सटी डिग्री की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट थ्री बाई टू। ये नंबर वन बात है भाई। RHS चलेंगे, RHS पर टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, यानी टू साइन थीटा का मान क्या है, साइन तीस कॉस तीस, साइन तीस और कॉस थर्टी डिग्री, ये बराबर हो जाएगा कितने के, नहीं दिख रहा होगा, हाँ कर दिया है, ये कितने के मान के बराबर आ रहा है, ये बराबर हो जा रहा है दो साइन तीस का मान एक बटा दो, और कॉस तीस का मान क्या है, करणी में तीन बटा दो, गुणे करणी में तीन बटा दो, दो से दो कट गया, ये बराबर हो गया अंडर रूट थ्री बाई टू। ये इक्वेशन नंबर टू, बाई इक्वेशन वन एंड टू, बाई इक्वेशन वन एंड टू इक्वेशन वन एंड LHS बराबर RHS, LHS का मान जो है लेफ्ट हैंड साइड का मान RHS के मान के बराबर आ गया, और यही चीज हमको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। वन एंड टू से RHS आ जाएगा, इस सातवें सवाल में हमको प्रूफ करना था। अब आगे का सवाल देखते हैं, सातवें का ये पहला पार्ट था, दूसरा भी हो जाएगा इसी तरह करना है, तीसरे में भी यही करना, कुछ नहीं करना, चौथे में भी यही है। आठवां सवाल है, थीटा बराबर तीस अंश दिया है, एक मिनट तक एडजस्ट करिए, स्लाइड नंबर क्योंकि चमक आ रही थी, अब तक चमक खत्म हो गई होगी। चमक खत्म हुई है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आठ है, आठ वाले में हमको क्या सिद्ध करना है, हमको आठ वाले में रेशियो बताना है। रेशियो क्या है, दिया है थीटा इक्वल टू थर्टी डिग्री, और हमको रेशियो निकालना है टू साइन थीटा रेशियो साइन टू थीटा, टू साइन थीटा रेशियो साइन टू थीटा, ये बराबर क्या हो जाएगा, टू साइन थर्टी अपॉन साइन दो गुणे तीस, ये हो जाएगा टू साइन थर्टी अपॉन साइन दो गुणे तीस करेंगे तो ये हो जाएगा साइन सिक्सटी। हमको क्या मालूम है बता सकते हैं, हमें साइन थर्टी का मान लिखना है, साइन थर्टी का मान वन बाई टू, वन बाई टू, और साइन सिक्सटी का मान अगर हम लेते हैं तो साइन सिक्सटी का मान क्या आएगा,
साइन 60 का मान आएगा अंडर रूट 3 बाई 2, अंडर रूट 3 बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 के साथ 2 का मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे अंडर रूट 3 के साथ 2 का मल्टीप्लाई हो गया, 2 से 2 कट गया, 1 अपॉन अंडर रूट 3। इसलिए हमको जो रेशियो निकालना था 2 साइन थीटा रेशियो साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 रेशियो रूट 3, ये हमारा रेशियो ज्ञात हो गया। 1 रेशियो रूट 3 में जो हमारा आया है रेशियो, यही इसका रेशियो हो जाएगा। अब तो सिर्फ उसमें मान रखना था, मान रख के आपको आंसर निकाल लेना था। अब आते हैं, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है नौवां सवाल कह रहा है ए बराबर है 30 डिग्री और बी बराबर है 60 डिग्री, ठीक है, ए और बी का मान दिया है, और वो क्या कह रहा है साइन ए प्लस बी, ठीक है, और को दिखाना है साइन ए प्लस साइन बी। आपको प्रूफ करना है, प्रूफ साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे हम एल एच एस लेके चलेंगे, ये टू प्रूव है बाई एल एच एस माने लेफ्ट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, लेफ्ट हैंड साइड, हेलो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके अगर हम चलेंगे तो बाई एल एच एस क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी बराबर हो जाएगा साइन 30 प्लस 60 बराबर हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1, इक्वेशन नंबर 1 बाई आर एच एस, आर एच एस लेके चलेंगे साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए की वैल्यू क्या है साइन 30 प्लस साइन 60, ये बराबर क्या होगा साइन 30 का मान 1/2 और करणी में 3/2, हेलो यहाँ पर नहीं का चिन्ह ये बताना कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस करणी में 3/2, ये बराबर हो जाएगा 1 करणी में 3/2, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों बराबर नहीं है, हम लिख देंगे एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस का मान आर एच एस के मान के बराबर नहीं, बस यही हमको प्रूफ करना चाहिए। फिर दसवां सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10, को अगर हम ले लें सवाल नंबर 10, तो दसवां सवाल कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कि ए बराबर है 60 डिग्री, बी बराबर है 30 डिग्री, और यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमको ये करना है कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी,
ये फार्मूला है कॉस ए साइन बी। अब हम इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, हम बाई एल एच एस लेके चलेंगे, बराबर बाई एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड साइन ए प्लस बी बराबर हो जाएगा साइन 60 प्लस 30, ये बराबर हो जाएगा साइन 90 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। बाई आर एच एस राइट हैंड साइड से क्या होगा, साइन ए कॉस बी, साइन ए का मान है साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30। अब हम वैल्यू रखते हैं, साइन 60 का मान जो है अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2, और कॉस 30 का मान, कॉस 30 का मान है अंडर रूट 3/2 गुणे अंडर रूट 3/2 प्लस कॉस 60, कॉस 60 का मान जो है 1/2, और साइन साइन 30, साइन 30 का मान जो है 1/2, मल्टीप्लाई कर दिया ये हो गया 3/4 प्लस 1/4, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 1/4, 4/4, 4 से 4 कट गया और ये हो जाएगा 1। और ये इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या हो जाएंगे, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, बाई 1 एंड 2 एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। हमने एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड को आर एच एस राइट हैंड साइड के बराबर दिखा दिया। कैसे दिखाया वो हमने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, पहले मान रखेंगे और रख कर तब उसका आंसर हम निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? हेलो आदित्य, आदित्य सर नहीं आ रहा है समझ में? ये दसवें का पहला पार्ट था। हाँ, इसी तरह दूसरा तीसरा ये सब लगेंगे, ठीक है, और दसवें का बाद हम ग्यारहवें का पहला पार्ट बता रहे हैं आपको। ग्यारहवें के पार्ट फर्स्ट में थीटा की वैल्यू निकालना है, दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू निकालना है कि थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ग्यारहवें का फर्स्ट पार्ट है ये कह रहा है 2 sin थीटा बराबर अंडर रूट 3, 2 sin थीटा बराबर अंडर रूट, हमको थीटा की वैल्यू निकालनी है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा बराबर अंडर रूट 3/2, और साइन में अंडर रूट 3/2 किसका होता है, साइन 60 का मान होता है, किसका होता है, साइन 60 का मान होता है, इसलिए 2 थीटा बराबर हो गया 60 के, तो थीटा बराबर हो गया 60/2 बराबर 30। पहला पार्ट का आंसर आ गया हमारा, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री हो गई। ठीक, अब दूसरा सवाल है इसका, कॉस 20 प्लस एक्स बराबर साइन 60, एक्स की वैल्यू निकालना है। दूसरा प्रश्न है कॉस 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन 60, साइन 60 दिया है हमको, एक्स की वैल्यू ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए पहले साइन 60 का मान रख देंगे अंडर रूट 3/2, कॉस 20 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 हमने जब इसका मान रख दिया साइन 60 का, तब हम देखेंगे कॉस में अंडर रूट 3/2 किसका मान है, तो कॉस 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2, हम यहाँ लिखेंगे
cos 20 plus x equal to cos, ये क्या हो जाएगा cos 30 degree। अब इससे क्या हो जाएगा 20 plus x बराबर हो गया 30 degree के, तो x बराबर हो गया 30 minus 20 is equal to 10 degree। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 10 degree, ठीक है। हेलो हेलो अगला दिया है थर्ड पार्ट इसका, जरामे का तीसरा पार्ट। ग्यारहवें का थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट कह रहा है कि 3 sin square theta बराबर 2 1/4। तो ये हो जाएगा 3 sin square theta बराबर 4 2 8 9/4। हम 3 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 9/4 हुए 3 से 3 3 9, ये बराबर हो गया 3/4। तो इससे क्या मान निकला साइन थीटा बराबर हो गया √3/4, दिस इज इक्वल टू √3/2। और थीटा का ही मान हमको निकालना है, √3/2 किसका मान है साइन में, साइन 60 का मान है, हम लिखते आए ये हो जाएगा साइन 60, इसलिए थीटा बराबर हो गया 60। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 अंश के बराबर आ गई। समझ में आ रहा है सुभी, माइक ऑन करके बताइए आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, ट्वेल्व कह रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। और कह रहा है कि थीटा की वैल्यू हमको बताइए, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है और उसने दे रखा है 2 tan square theta, 2 tan square theta प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा, ये आपको निकालना है। सवाल दिया है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा और कह रहा है कि 2 tan square theta प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा, इसकी वैल्यू हमको बताइए। तो अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान दें तो क्या होगा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर 1, हम यहाँ लिख लेंगे चाहे बाई इक्वेशन 1। तो ये क्या होगा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर 1, यानी कि ये हो गया इट इम्प्लाइज टेन थीटा बराबर 1। और टेन थीटा में मान क्या होता है 1, टेन 45 का मान होता है, इसलिए थीटा बराबर आ गया 45। अब हम यहाँ मान रखेंगे यहाँ पे 2 tan square 45 प्लस साइन स्क्वायर 45 अब माइनस 1, ये हो जाएगा 2 tan 45 का मान होता है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, साइन 45 का 1/√2 होता है, 1/√2 का हम होल स्क्वायर कर देंगे माइनस 1, ये हो जाएगा 2 plus 1/2 - 1, ये बराबर हो जाएगा 1 plus 1/2, दिस इज इक्वल टू 1 1/2, यही हमारा आंसर इसका आ गया। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहां तक, 1 1/2 को चाहो तो 3/2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 13वां सवाल हम देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 13 13वां सवाल है। एबीसी है, इसमें 13वां सवाल में कह रहा है कि यहाँ पे अंडर रूट 3 दिया, ये 90 डिग्री है और ये एक्स और ये अंडर रूट 3 है और यहाँ पे 1 दिया। कह रहा है पहले कि एक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए, इस फिगर से हमको एक्स की वैल्यू ज्ञात करना है। तो एक्स की वैल्यू क्या निकली, यहाँ परपेंडिकुलर दिया है और बेस दिया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे तो हो जाएगा टेन थीटा। तो एक्स के लिए हम क्या लिखेंगे, टेन एक्स बराबर अंडर रूट 3/1 और अंडर रूट 3/1 टेन का मान होता है टेन सिक्सटी का, टेन एक्स बराबर हो गया टेन सिक्सटी। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री। एक्स बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री, अब वही हमारा क्या है, आंसर है। 15वां है, 13वां था, 14वां उसी तरह है, 15वां देखिए। टेन थ्री एक्स इक्वल टू इतना दिखाना है, टेन थ्री एक्स बराबर दिया है साइन 45 कॉस 45 प्लस साइन 30। एक्स की वैल्यू हमको निकालना है, एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे टेन थ्री एक्स साइन 45 का मान रखेंगे तो 1/√2 बुढ़े 1/√2 प्लस साइन 30 का मान लिखेंगे तो 1/2। तो टेन थ्री एक्स बराबर हो गया 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1। तो टेन थ्री एक्स बराबर कितने का हो गया, टेन 45 का मान 1 होता है, तो इसलिए 3x बराबर हो जाएगा 45। एक्स बराबर हो जाएगा 45/3 इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू हमको पता चल गई कि 15 डिग्री है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है इसका 16वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखिए। 16 कह रहा है 4cos²x-1 = 0, 4cos²x-1 = 0, ये पहली चीज इसने दे रखी है। और उसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि इसमें निकालिए sin²x + cos²x = क्या निकालना है, sin²+cos²x क्या, ठीक, ये चीज आपको निकालना है। और दूसरा निकालना है, दूसरा पार्ट इसमें निकालना है आपको cos²x - sin²x, ये दूसरा पार्ट इसका निकालना है। तो दो पार्ट इसमें निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, लिखेंगे by equation 1 क्या हो जाएगा, 4cos²x = 1। तो cos²x = हो जाएगा 1/4 और इससे निकल जाएगा cos x = हो जाएगा √1/4, दिस इज इक्वल टू 1/2। cos x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 के बराबर आ गई। cos x कितना आ गया, 1/2।
और cos में 1 by 2 किसकी वैल्यू होती है, cos 1 by 2 वैल्यू होती है cos 60, cos x बराबर cos 60, तो x बराबर हो गया 60। अब पहला पार्ट पूछ रहा है जो sin 60 sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या होगा। sin 60 का मान होगा अंडर रूट 3 by 2, अंडर रूट 3 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर cos 60 का मान, ये बराबर हो जाएगा 3 बटा 4 प्लस 1 बटा 4 बराबर 4 बटा 4 बराबर हुआ। हमने पहले ही फार्मूला पढ़ा था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, वो हमने यहाँ पे प्रूफ भी कर लिया। कैसे प्रूफ हुआ, वो हम थीटा का मान बराबर अगर लिख के दोनों का देखें तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, 1 के बराबर आएगी, 1 से अधिक नहीं आएगी, ये बात हमको ध्यान रखना है। जो हमने फार्मूले पढ़े हैं उसी का उपयोग हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो उसका उपयोग करने का मतलब हुआ कि हमने जो भी चीज पढ़ी उसी को हमने यहाँ पे रिपीट किया, याद किया, तैयार किया और तैयार करके हमने उसको हल कर लिया। नेक्स्ट इसका पार्ट जो है, दूसरा पार्ट जो है वह कह रहा है साइन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब उसकी वैल्यू हम निकालते हैं, तो ये दूसरे पार्ट के लिए चलिए चलते हैं। 60 मान रखना है हमको उसके लिए, तो सेकेंड पार्ट के लिए लिखेंगे कॉस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो ये क्या होगा, कॉस 60 का मान हमने बताया था 1 बाई टू का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 1 बाई 4 माइनस 3 बाई 4, ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस 3 बाई 4 इक्वल टू माइनस 2 बाई 4, कितना आया माइनस 2 बाई 4 और 2 अंडर 2 मिला 4 दिस इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1 बाई 2 के बराबर इसकी वैल्यू आ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है sec थीटा बराबर cosec, sec थीटा इक्वल टू cosec, ठीक, और थीटा की हमको वैल्यू बतानी है। पहला पार्ट में वैल्यू ऑफ थीटा कैसे निकालेंगे, अब sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos थीटा बराबर cosec थीटा को 1 अपॉन sin थीटा लिखा जा सकता है, 1 अपॉन cos थीटा अपॉन 1 अपॉन sin थीटा, ये हम लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लिखने का हमको क्या, 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है और 1 अपॉन sin थीटा, ये हमको मालूम है कि 1 अपॉन cos sec का उल्टा cos होता है और एक cos का उल्टा sec होता है और sec का उल्टा cos होता है और cosec का उल्टा sin होता है और sin का उल्टा cosec होता है, तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा cos थीटा बराबर sin, और हाँ सुनिए कुछ कह रही हो क्या हो गया, हेलो सुबी, हेलो, यस सर, कुछ कह रही हो, कुछ कह रही हो, स्पीकर तुम्हारा ऑन था तो हम सोचे कुछ कह रही हो, तो यहाँ पे क्या है cos थीटा बराबर sin थीटा, इससे निकला कि sin थीटा बटा में cos थीटा बराबर 1 और sin बटा में cos क्या होता है, ये tan थीटा होता है, तो ये जाएगा tan थीटा बराबर 1, यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं sin थीटा बटा में cos थीटा इक्वल टू 1,
तो ये वन के बराबर होता है, टेन थीटा का मान हो गया, टेन पैंतालीस का मान वन होता है, टेन थीटा बराबर टेन पैंतालीस, तो थीटा बराबर हो गया 45। तो इस तरह से हमने थीटा का मान निकाल लिया। थीटा का मान 45 कैसा है, हमने इन दोनों को बराबर लिखा था। बराबर लिखाने का मतलब इसको हमने बदला, sec को 1 अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, cosec को 1 अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो आ गया sin थीटा बराबर cos थीटा, फिर हमने sin बटा cos किया तो tan थीटा आ गया, और tan थीटा से हमने हल करके उसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा बराबर cot थीटा, दूसरा पार्ट इसका है, इसमें भी थीटा का मान निकाल। पार्ट टू है इसका, टेन थीटा बराबर कॉट, हम क्या लिख सकते हैं बता सकते हैं? इसको अगर हम टेन बटा में कॉट कर दें, टेन थीटा बटा में कॉट थीटा बराबर वन हो जाएगा। अगर हम इधर पश्चांतर कर दें तो यहाँ गुणा में एक रहा होगा, कॉट थीटा यहाँ पे आके भाग हो गया, बराबर वन हो गया। और वन होने के बाद हम cot थीटा क्या लिख सकते हैं, क्योंकि cot थीटा बराबर होता है 1 अपॉन tan थीटा, tan थीटा का उल्टा cot होता है, तब इसको लिख सकते हैं tan थीटा बटा में 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू 1। फिर ये tan थीटा ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 बराबर 1। ठीक, अब tan थीटा का वन वैल्यू क्या आती है, tan 45 आती है, tan थीटा बराबर टेन पैंतालीस, तो थीटा बराबर कितना हो गया 45, थीटा की वैल्यू क्या हो गई 45 डिग्री हो गई। इस कहने का मतलब टेन 45 और cot 45 दोनों की वैल्यू क्या आएगी, 1 के बराबर आएगी, वह कम बेसी नहीं रहती है। हो गया, क्लियर हो गया, बोलिए कोई यहां तक असुविधा? 18 सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 से कह रहा है, मैं लग रहा था 18 सवाल ये कह रहा है साइन 3x बराबर 1, साइन 3x इज इक्वल टू 1, इसमें हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, और इन्होंने दो तीन मान दे रखे हैं। पहला मान दिया है साइन एक्स का मान ज्ञात कीजिए, दूसरा मान दिया है इन्होंने निकालने के लिए कॉस टू एक्स का, और तीसरा मान इन्होंने दिया निकालने के लिए टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स, ये तीन मान हमको निकालने हैं। कैसे निकालेंगे ये ध्यान दीजिए, साइन 3x बराबर 1 है, साइन 3x इक्वल टू 1, इसका मतलब हुआ कि 1 किसका मान है, साइन 90 का मान है, तो 3x बराबर हो गया 90, x की वैल्यू हो गई 90 बाई 3, 3 बन जाए 3, 3 30 या 90, तो x की वैल्यू हो गई 30। पहला है साइन x इक्वल टू साइन 30, साइन 30 का मान होता है 1/2। दूसरा पार्ट है कॉस 2x बराबर कॉस 2/30 बराबर कॉस 60, और कॉस 60 का भी मान क्या होता है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू क्या आती है 1/2। इसमें तीसरा पार्ट है जो हमें लगाना है वो टेन स्क्वायर 30, टेन स्क्वायर 30 माइनस सेक स्क्वायर 30। अब टेन 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस सेक 30 का मान होता है 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/3 माइनस 4/3, 4/3 की वैल्यू अधिक है तो 4 जाएगा तो -3/3, माइनस 3/3 इक्वल टू -1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1 के बराबर
यानी सिर्फ हमको मान रखते जाना। हमने बताया खाली तालिका हम बना लेंगे, तो उसके बाद सारे सवालों को इजी वे में हम क्या करेंगे, हल करते चले जाएंगे। किसी भी सवाल को लगाने में हमको असुविधा महसूस नहीं होगी। अगर तालिका नहीं बनाते हैं परीक्षा में, तो सारे सवाल हमारे फंसेंगे और फंस के हमको बर्बाद कर डालेंगे। आई बात समझ में? अब सवाल नंबर 19 में चलते हैं। 19वां सवाल क्या कह रहा है कि 3 tan² θ - 1 बराबर 0, ये दिया गया है। और कह रहा है मान निकालने के लिए cos 2θ का। cos 2θ बराबर क्या? cos 2θ = 1। तो नंबर एक से हम ले लिए, ये हो जाएगा 3 tan² θ बराबर 1 के। tan² θ हो गया 1/3 के, तो tan θ बराबर हो गया √1/3 = 1/√3। 1/√3 tan 30 का मान है, हम यहाँ लिख देंगे tan 30। ये हो जाएगा tan θ बराबर हो गया tan 30, और ये हो जाएगा θ बराबर हो गया 30 डिग्री। इतनी बात क्लियर? अब हमने पूछा है cos 2θ। cos 2θ बराबर cos 2 × 30 बराबर cos 60, और cos 60 का मान क्या होता है? √1/2। cos 60 क्या हो जाएगा? 1/2। अब यही हमारा आंसर हो जाएगा। 19वां में यही करना था। 20वां भी इसी तरह आप लगा लेंगे। 21वां तीसवां थोड़ा टिपिकल है, तीसवां बता रहे हैं। सवाल नंबर 21, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। क्वेश्चन नंबर 21, 21 21 में कह रहा है sin A + B, sin A + B बराबर दे रखा है करणी में 3/2। ठीक, sin A + B का मान दे रखा है करणी में 3/2, और cos A - B बराबर भी दे रखा है करणी में 3/2। ये बराबर है cos A - B। कह रहा है इस त्रिभुज के कोण A और B के मान ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज होगा 90 डिग्री वाला, इसमें कि A और B कोण का आपको मान निकालना है। इस तरह से है A B C, C पे 90 डिग्री होगा। इस कोण और इस कोण का मान आपको निकालना है। वो कोण A है और एक कोण B है। तो अगर हम पहला लेके चलते हैं, sin A + B बराबर करणी में 3/2। ठीक है, और करणी में 3/2 साइन किसका मान होता है? साइन का मान करणी में 3/2 होता है, जिसको लिखेंगे sin 60। इसलिए A + B बराबर हो जाएगा 60। ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है cos A - B बराबर करणी में 3/2। अब करणी में 3/2 cos में किसका मान होता है? cos 30 का मान होता है, = cos 30। ये हो जाएगा A - B बराबर 30 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? इलिमिनेशन मेथड जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, इलिमिनेशन मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे, जो क्लास 10th में पढ़ना है हमको, अभी नहीं पढ़ना है। तो ये क्या है, A + B लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सभी लोग
आईसीएसई बोर्ड वाले जितने हैं वो सब पढ़ के आ रहे होंगे, 9 में 8 में भी इलिमिनेशन मेथड पढ़े होंगे। तो इसमें क्या होगा, ये होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी का मान कितना है 60 और इसका है 30, जोड़ देंगे तो माइनस से प्लस वाला कट जाएगा, 2a = 90। ए बराबर हो गया 90/2 = 45। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन वन, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन वन तो क्या होगा, 45 + b = 60। तो b बराबर हो गया 60 - 45 = 15 डिग्री। तो a बराबर हो गया 45 डिग्री और b का मान आ गया 15 डिग्री। इस तरह से हमने क्या किया, दोनों के मान निकाल दिए। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं हम। आगे एक सवाल नंबर 22 में एक रॉम्बस दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 22। हेलो, हाँ बताओ। उसका भी हम पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा, है बाद में बात करेंगे। हाँ वो नहाए ही नहीं, जान रही थी सब था, सुबह में नहा लिए, 2 बजे नहा के बैठी। देखिए 22वें क्वेश्चन में एक रॉम्बस दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 22, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसको रॉम्बस दिया गया, रॉम्बस मतलब कि उसकी चारों भुजाएं क्या होंगी आपस में, हमारा लगभग सही बना होगा, सही से कर दे। ये रॉम्बस है, इसकी डायगोनल जो होता है 90 डिग्री पे कट करते हैं, ए बी सी डी और ये ओ है। हमको मालूम है कि रॉम्बस के डायगोनल इसके हर साइड 8-8 दिया है, ठीक 90 डिग्री पे कट करते हैं और ये वाला एंगल जो इसका है और ये वाला एंगल ये 60 डिग्री और 60, ठीक है। तो अब हमको कह रहा है इस रॉम्बस से, कह रहा है कि मान निकालना है, किसका मान निकालना है अभी हम आपको बता दे रहे हैं। दो मान निकालना है, पहला मान निकालना है एसी बराबर वाट और दूसरा मान निकालना है आपको बीडी बराबर वाट। दोनों डायगोनल के मान निकालने हैं, कैसे निकाले जाएंगे आप बता सकते हैं। बताने का तरीका क्या है कि अगर डायगोनल का मान हम निकालना चाहते हैं
ये 90 अंश का कट करेगा तो ये वाला भी कोण 90 अंश होगा और ये वाला कोण भी 90 अंश होगा। ठीक है, अब हमको क्या कहते हैं कि मान निकालना है। पहला हम लेंगे ट्राइंगल ओबीसी। कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ट्राइंगल ओबीसी। ट्राइंगल ओबीसी, ओबीसी अगर हम लेते हैं ओ ये वाला ट्राइंगल, तो ये कोण थीटा 60 हो गया, तो इसके सामने एक भुजा क्या होगी? परपेंडिकुलर हो गई ना। अब परपेंडिकुलर हो गई तो अगर हम साइन थीटा का मान निकालेंगे तो इस भुजा का मान हमको मिलेगा। तो साइन 60, तो साइन 60 बराबर क्या होगा? साइन 60 के लिए परपेंडिकुलर ओबी बटा में बीसी। इसकी हाइपोटेनियस हो गई 90 डिग्री के सामने की भुजा, ये हाइपोटेनियस हो गई। आपको समझ में आ रहा होगा ये हाइपोटेनियस का काम कर रहा है, ये हाइपोटेनियस हो गई और ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। तो साइन 60 का मान होता है अंडर रूट बराबर, ये क्या हो जाएगा? वो भी मान हमको ज्ञात करना है। अब बटा में बीसी, बीसी का मान हमको मालूम है 8। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो बराबर हो जाएगा 8√3 और वो भी वैल्यू हो जाएगी इट इंप्लाइज क्या? ये बराबर हो जाएगा, वो भी बराबर हो जाएगा कितने के? 8√3 बटा में 2। हेलो, 4√3 ओबी का मान आ गया। 4√3 मान आने के बाद अगर हम इसको आगे लेके चलेंगे कितना हो जाएगा? 4√3 है और हमको क्या मालूम है, इसलिए बीडी बराबर हो जाएगा, बीडी बराबर 2 ओबी, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 4√3 बराबर हो जाएगा 4√3 ये क्या कहते हैं कि ओबी का मान हो जाएगा, बीडी का मान आ गया। बीटी का मान हमने निकाल लिया। अब हम दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं ट्राइंगल। अब इसी ट्राइंगल से अगर फिर इसमें ले लें तो एक चीज और हम निकाल सकते हैं, कॉस थीटा का मान। तो अगेन क्या है? कॉस 60 बराबर ओसी बटा में बीसी। OC का मान क्या होगा? cos 60 का मान क्या होगा? cos 60 होता है 1/2 बराबर OC बटा में BC का मान है 8। तो OC बराबर हो गया 4, इसलिए AC बराबर हो जाएगा 4 × 2 बराबर 8 सेंटीमीटर। तो AC बराबर 8 सेंटीमीटर और BD बराबर हो गया 8√3 के बराबर हो जाएगा, सेंटीमीटर नहीं यूनिट है तो उतनी यूनिट के बराबर हो जाएगा। यहाँ चाहे तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे एक बात लिख लीजिएगा कि वी नो दैट इन ए रॉम्बस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलर, क्योंकि डायगोनल रॉम्बस में क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटते हैं यानी प्रतिच्छेदित करते हैं और उसी से हम बराबर बराबर भागों में, दो बराबर भागों में बांटते हैं। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका मान निकाल ले। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो, प्रॉब्लम है कोई? तेईसवां आप लोग लगा लेंगे, 24वां सवाल है। ट्वेंटी 24 कह रहा है,
इसमें दिया है एटी बराबर 1.8 मीटर और दूसरा दिया है क्यूसी बराबर क्यूबी माइनस सीबी। वो तो होगा ही, ठीक है। क्यूसी की वैल्यू हमको क्या कहते हैं कि निकाल लिए हैं क्यूबी माइनस सीबी, और सीबी की वैल्यू क्या होगी, ये चूंकि इसके समानांतर खींचा गया है नीचे, ये एक आयत का बना रहा है, ये आयताकार आकृति है, मतलब कि रेक्टेंगल है, ये भी 1.8 मीटर होगा। और इसको अगर हम घटा देते हैं 13.8 में से, ये हो जाएगा 13.8 - 1.8 = 12 मीटर। ये क्यूसी का मान दिया गया है, क्यूसी का मान जो है, और ये 13.1 जो दिया है, ये पूरा यहाँ 13.8 मीटर जो दिया है, 13.8 मीटर ये पूरे का मान दिया यहाँ से यहाँ। तो ये क्या कहते हैं, कह रहा है इसका मान उसने दे दिया। अब इसके बाद कह रहा है कि एंगल भी दिया है 30°, ठीक। वो दूरी निकालने को कह रहा है पीसी की, पीसी की वैल्यू क्या है वो निकालना है, डिस्टेंस पीसी, ठीक है। पीसी की वैल्यू क्या होगी वो तुमको बताना है, पीसी बराबर क्या, पीसी बराबर वाट। तो हम ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल पीसी क्यू में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये थीटा कोण हो गया, तो इसके सामने एक भुजा, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो हमको निकालना है पीसी, तो परपेंडिकुलर अपन बेस करें, तो इसके लिए हमको क्या निकालना है, tan 30 बराबर हो जाएगा QC बटा में PC, और PC की वैल्यू निकालिए, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर QC का मान हमको मालूम है 12, अब बटा में PC का मान हमको निकालना है, PC हो गया। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो PC बराबर हो जाएगा 12√3 मीटर, यही आंसर हमारा हो जाएगा, यही हमको निकालना था, पीसी का मान निकालना था। पीसी का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12√3 मीटर के बराबर, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा आपको लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, समझ में आया है। हेलो, इसके बाद 2-4 सवाल और हैं, उसको वो लोग स्वयं लगाएंगे और लगा के उसको हल करेंगे। अगली एक्सरसाइज कल बताई जाएगी।